हाय गाइस, मैं हूँ नेहा राजन व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गाइस तो देखिए, आज मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन अपने अर्श के लिए कपड़े मंगवाए थे, क्लोथ्स मंगवाए थे, नॉर्मली घर में पहनने के लिए करीब 5 या 6 पीस। तो वो भैया देख के चले गए जो ऑनलाइन मंगवाया था मैंने, तो मैं लेके जा रही हूँ ये। तो सी इसकी आप देख पा रहे हैं, ये आए हैं मेरे फ्लिपकार्ट से। हमने ऑर्डर किया था अपने नॉर्मली घर में पहनने के लिए, बट गाइस इसमें ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी मेरे हस्बैंड को। उन्होंने जैसे गर्मी थी, गर्मी में कॉटन बुक किए थे। देखिए ये मेरा अर्श है, गोद में था तो मैं लेके आई अंदर, तो वो खेल रहा था तो मैं उससे बातें करने लगी, उसको खिलाने लगी। वो गोद में है और मैं जो पैकेज मैंने अपने हैंड में ही ले रखा है। एंड थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई गाइस, क्योंकि बट अभी भी सर्दियाँ नहीं हैं इतनी, बट ये कि बच्चों के लिए है। बट ये कि फिर हमने ये जो मैंने क्लोथ्स मंगवाए थे ये मुझे गाइस वापस करने पड़े। क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊँगी, आप देखना ओपनिंग करने के बाद में आप देखना कि जो हमने बुक किए थे कॉटन, बट वो जो बुक किए थे मेरे हस्बैंड ने वो कॉटन नहीं थे। उसमें मतलब प्योर कॉटन नहीं था, कॉटन उसमें कॉटन के साथ में कुछ फैब्रिक ऐसा कुछ मिक्स था, तो वो जॉर्जेट जैसा होता ना उस टाइप में था। और देखिए मैंने अपने अर्श को आज अपनी अमायरा की मेरी एंकलेट रखी थी एंड बैंगल्स रखे थे चांदी के, वो मैंने आज पहना दिया। ऐसे ही मन करा था, मैंने कहा पड़े हुए हैं तो अब अमायरा बड़ी हो गई है तो स्कूल जाती है तो वो नहीं पहन पा रही है इस चीज़ें, तो मैंने अपने अर्श को पहना दिए। तो वही अर्श बहुत इन्जॉय कर रहा है, खेल रहा है अपने आराम से, हमारा खिला रही है उसे, तो बहुत ही मस्ती में अपने आराम से वो खेल रहा है। तो उसके बाद में अब आती है हमारी पैकेज ओपनिंग करने की बारी, रिव्यू ओपनिंग करने की बारी। तो ये है ओपनिंग, तो अब हम इसकी ओपनिंग करेंगे और देखना आप लोग बताना कि ये कॉटन नहीं है, क्योंकि उस वक्त गर्मी थी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने ऑर्डर किया था तो उस वक्त गर्मी थी, तो ये जो मैं अपने अर्श को पहनाती तो वो चुप था, बॉडी में एक खुजली घुमोरी टाइप में हो जाती, तो फिर मैंने इसको मुझे वापस करना पड़ा। मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि इसको वापस कर दो, कॉटन बुक कर दो आप। तो हमने मैंने नहीं, सिर्फ एक बार मैंने इसको एक सूट मतलब ओपनिंग के बाद में चेक किया था अपने बेटे के ऊपर, एक बार पहनाया, बट वो पहना के देखा तो वो छोटा भी था एंड वो कॉटन नहीं था। तो कुछ ये ऐसे पैकेज में आया हुआ है। सी आप देख पा रहे हैं, कलरफुल है, 6 पीस हैं ये, और कलर मुझे बहुत ही पसंद आए थे क्योंकि लाइट कलर थे। लाइट कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों पे, खासकर ब्लू है एंड लाइट पिंक है, बेबी पिंक एंड गाजरी है, येलो है, ये कलर मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। बट छोटे भी थे, फिक्स नाप था एंड ये हमारे प्योर कॉटन नहीं थे। जो बुक किया था जब मेरे हस्बैंड ने, तो उसमें लिखा था कि प्योर कॉटन है ये, बट जब हमने मंगवाए तो ये मेरे प्योर कॉटन नहीं थे। तो आप लोग बताना कि मेरे नॉर्मली हमने घर के लिए, घर में डेली रूटीन के लिए मंगवाए थे, क्योंकि मेरा अर्श अपनी अमायरा के कपड़े सारे पहन रहा था, तो लड़की वाले कपड़े पहनता था वो, तो इसीलिए नॉर्मली घर में पहनने के लिए बताया। एंड ये हमारे क्लोथ्स जो हैं 300 रुपये में गाइस, 6 हमारे सेट 6 सूट आए हैं 300 रुपये में। आप क्या लोगे 300 रुपये में? बहुत ही मतलब अगर मिल रहा है तो, और नॉर्मली घर में डेली शेड्यूल में पहनने के लिए परफेक्ट है, बट मुझे ये चेंज करने पड़े तो मैंने ये चेंज कर दिए। ओके, तो ये मैंने चेंज कर दिए हैं गाइस, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड का इनको चेंज कर दो, लेने से कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि घुमोरियाँ हो जाएंगी, तो बेबी को जिस चीज़ से बेनिफिट ना हो तो बेनिफिट कुछ कोई फ़ायदा नहीं है पहना के। तो मैंने इसको एक पहना के चेक करवाया, उसके बाद में सारे मैंने फ़ोल्ड करके जिस तरीके से वो आए थे पैकेट में, मैंने उस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया और फिर हमने नेक्स्ट डे उसे वापस कर दिए। तो कलर तो गाइस बहुत ही अच्छे आए थे, मेरे फेवरेट कलर थे। एंड देखिए मैंने अर्श को एक सूट पहनाया भी है, तो अर्श खूब अच्छे से खेल रहा है, बट वो मुझे छोटा भी था
टाइट था और हौजरी टाइप में था, तो वो ना बेबी को रिलीफ, बॉडी में जो रिलीफ मिलना चाहिए ना वो चीज़ नहीं मिल रही थी। जब रिलीफ नहीं मिलेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, तो फिर इसीलिए ये हमने चेंज कर दिया। अमायरा खेल रही थी उस दिन, अमायरा एंड आज दोनों पिंक पिंक हो गए थे। ये देखिए कितने अच्छे से दोनों लोग खेल रहे हैं। अर्श माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अमायरा को देखो, अमायरा बाथ टाइम करके ब्यूटीफुल बन के, अमायरा कहती है मम्मा मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो और ये देखिए यहाँ पे ये जा रहे हैं अंकल पैकेज देने के बाद में, वो अपना ये देखिए डिलीवरी अंकल देने के लिए आए पैकेज। गाइस ये मैंने फिर उसको चेंज करवा के मैंने फिर दूसरे कॉटन क्लोथ्स मंगवाए थे, जो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चेंज कर दूँगी और फिर दोबारा मंगवाए। तो ये हमारे पीस हैं, बट गाइस इस बार जो कलर आया ना वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। एक से दो पीस मुझे अच्छे लगे, एक पिंक कलर में और जो एक ब्राउनिश पीच कलर में था वो मुझे अच्छा लगा, बस बाकी कलर मुझे अच्छे नहीं लगे। ये है कि ये कॉटन के थे और एंड ये है, ये गाइस ये भी 300 में था तो वो मैंने चेंज करवा दिए थे, फिर मैंने दूसरे मंगवाए थे ये। तो ये हमने पैकेज चेक किया था ओपनिंग करने के बाद में। तो गाइस अगर आप भी अपने बच्चे के लिए मंगवाना चाहें डेली रूटीन में शेड्यूल में पहनाने के लिए तो कोई बुराई नहीं है ना, मंगवाइए और पहनाइए। क्योंकि 300 रुपये में गाइस आप क्या लेंगे, 300 रुपये में अगर हमें 5-6 सूट मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डेली रूटीन में शेड्यूल में इसको कैरी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और देखिए मेरे अर्श को उस टाइम आई फ्लू भी हो रखा था, मेरी अमायरा को भी हो रखा था, एंड अमायरा की वजह से हमारे पूरे घर में सभी को हो गया था। पहले अमायरा को हुआ, फिर अर्श को हुआ, फिर मेरे को हुआ, फिर उसके उनके डैडी को हो गया, सबको हो गया था। तो देखिए आप लोग ये क्लोथ्स हैं, ये भी कलर अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे जो पहले मैंने मंगवाए थे ना वो कलर मुझे बहुत ही अच्छे आए थे। एंड ये भी फिक्स ही नाप है, मेरे हस्बैंड ना मतलब उनको मतलब उन्होंने क्लोथ तो बुक किए बट वही है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई, तो उन्होंने थोड़े से बड़े करने थे बट बड़े नहीं हो पाए, फिक्स नाप आ गए हैं, थोड़े से लूज़ हैं। बट मैंने कहा चलो अब कोई नहीं, अब तो वैसे भी लास्ट गर्मी है और अपने घर में ही डेली शुरू में पिन जाएंगे, एक दो बार ही पिनेंगे वही वैसे ही हो जाते हैं। वॉश करने बाद तो वैसे भी इनके फैब्रिक जो लगे हुए हैं इनके ऊपर वो मतलब ख़राब हो जाते हैं, तो डेली रूटीन पहने का अपने आप चलो कोई नहीं पैसा वसूल हो जाएंगे। जो हमारे 300 रुपये में 5 मिले हैं हमें सूट। तो गैस आप लोग बताना कि ये मेरे कलर आपको कैसे लग रहे हैं। और अमायरा तो बहुत ही खुश हो गई थी इनको देखकर, क्योंकि इसमें उसके कार्टून छपे हुए, एक एंग्री बर्ड है, भीम है एंड और पता नहीं क्या है उसमें कौन से कार्टून है, ये भीम है, एंग्री बर्ड है, तो वही तो बहुत खुश हो गई थी। तो मुझे इनमें से दो ही कलर पसंद आए, एक ये वाला एंड एक पिंक वाला, मुझे दो ही कलर पसंद आए थे गाइस। तो आप लोग बताना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, और अगर आप चाहते हैं अपने बेबी के लिए मंगवाना तो आप डेली रूटीन के लिए मंगवा सकते हैं, 300 रुपये में हमें 6 पीस मिलेंगे, तो कोई बुराई नहीं गाइस। डेली शूटिंग में आप आराम से खूब पहनाइए। एंड ये है कि हमेशा ध्यान रखिए कि जो उसमें जो हम बुक करते हैं वो आप बुकिंग अच्छे से कर पाएँ। हमारी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, मेरे हस्बैंड ने को लगा वो कॉटन है मगर वो कॉटन में नहीं आए एंड वो छोटे भी पीस आ गए थे, तो इसीलिए। तो अब मेरा अर्श वो ये क्लोथ्स डेली पहन रहा है, अभी तक पहन रहा है, अभी तो मतलब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, बट मैं नाइट में या दिन में जब धूप होती है डे में तो मैं पहना देती हूँ अपने अर्श को, बाकी तो इनर तो हमारी वो पहने रहता है उसके ऊपर ही मैं पहना देती हूँ। तो गाइज आप लोग बताना मेरी ये वीडियो कैसी लगी गाइस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड शेयर भी कर दें गाइस। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए गाइस मैं यहाँ पे मैंने बाय अमायरा को देख के मैंने भी बाय कर दिया आप लोगों से। तो देखिए ये मेरे क्लोथ्स मैं जो दिखा रही हूँ आप लोगों को एक एक करके, तो एक डार्क पर्पल है, एक ब्लू है एंड पिंक है, ग्रीन कलर है
एंड ब्राउनिश ब्राउन लाइट कलर है। तो अब मैं इनमें से एक सूट अर्श को मैंने नहला दिया था, नहला के रेडी कर रही थी उसको, तो मैंने कहा आज यही पहनाऊंगी। तो मैंने एक सूट उसमें से पहनाया भी है, तो आप लोग बताना कि मेरा अर्श कैसा लग रहा है उसमें। एंड वो बिल्कुल ठीक ना पाए, देखिए मेरे अर्श की कितनी आईज रेडिश हो रखी है। आई फ्लू पहले से बेटर है, बट ये कि रेडिशपन देर में गया था, तो मेरा अर्श परेशान भी कर रहा था, रो रहा था, गोद में आने के लिए रो रहा था। तो मैंने देखिए पहना के उसको रेडी कर दिया है, वो सोने के लिए रो रहा था, तो उसे नहा लिया था ना, तो उसे नींद आ रही थी, तो कह रहा था कि वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा अर्श। मैंने ब्लू पहनाया, मैंने कहा कि मम्मा मॉम ब्लू पहनाइए, तो मैंने ब्लू पहनाया उसे। तो आप लोग बताना कि मेरे अर्श के ऊपर कैसा लग रहा है, मेरा अर्श कैसा लग रहा है गाइस। तो अर्श सोने के लिए रो रहा था, तो ओके गाइस, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब चलती हूँ मैं, ओके गाइस, बाय।